कौन से वाला है? हाँ ये वाला, इसमें बोतल भी अच्छी तरह आ जाएगी पानी। नहीं दोनों ऐसे ही सेम ले लो ना, सेम के आपको पता नहीं क्या कितने परेशान हो रहे हैं। ये अच्छा लगा दिखा ना, ये हाथ में लेके कैसा, ये वाला, ये ठीक लग रहा है ना, ये तो ठीक तो लग रहा है, लैपटॉप वाले बैग के जैसा लग रहा है ये वाला। तो एक ब्लैक, एक ब्लैक, एक वो देखो, देखो इसको चला रहा था जी, बस अभी 10-15 मिनट में पहुंचूंगा घर पे। बोलो परसों जी, परसों मैं फोन कर दूंगा आपको पक्का। हाँ जी, हाँ जी, इसमें बोतल आ जाएगी साइड में, वो देखते, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा लग रहा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे डाल आप बच्चे लेते हैं हिंदू। ये वाला तो अच्छा लग रहा है वैसे मुझे बहुत, इसी के साथ के दो पीस ले लेना, ये ही है ना दोनों। हाँ तो ये दोनों अच्छे हैं, ब्लैक वो ले लेंगे, रो ले लेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन जो ये दोनों, अगर ये वाला ब्लैक और ये ले लेना तो ज़्यादा अच्छा। तो एक ही नीचे, नीचे वाला, ये ब्लैक वाला नहीं, इससे नीचे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम, और जय श्री राम की आप देख रहे होंगे पीछे यहाँ पे। तो हम आए थे बैग लेने के बाद खाना खाने, तो खाना हमने दो जगह ट्राई करा, मज़ा नहीं आया, मतलब देखा तो वो पसंद नहीं आया। तो अब हम जा रहे हैं अपने जो स्पेशल हमारा ढाबा है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से हम खाना खाएंगे। तो फिर साथ ही मैंने बोल दिया है कन्हैया को, मगर तू भी आ जा और फिर बच्चों को भी ले आ भाई, क्योंकि जब हम स्पेशल ढाबे पर जा रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ जाते हैं, और क्या नाम, बच्चों को तो खास करके नहीं ले जाते। सैनी ढाबा, और ये स्टाइल क्या है, ये वाला है। तो फिर मैंने बोल दिया था कन्हैया को, मगर बच्चों को ले आ, और कोई बात नहीं, बच्चों को लेके चलेंगे और सारे खाना खूना खा के आएंगे फिर आराम से। अच्छा अभी वो खाना सालगिरह वाले दिन मैंने इतना बोला, मगर चलो बाहर खाना खाने चलेंगे, सारे बाहर ही खा लेंगे, तब इनका बाहर का खाना हजम नहीं होगा। तो आज इन्हें अपने आप जाना था ना, तो आज इनका हजम हो जाएगा बाहर का खाना। देखो मेरी 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 बात, मेरी बात, मेरी बात, नहीं मेरे तो अभी यहाँ जब बैग ले रहे थे नहीं, अभी अभी वैसे ही मैंने बोला, मुझे सच में ये भी नहीं पता था यहाँ तुझे पसंद नहीं आएगी, अब जब यहाँ आया तो फिर जब पसंद नहीं आया तो फिर तो। तो जी अब चलते हैं, कन्हैया आने वाला है, बस फटाफट से चलेंगे और जाएंगे सैनी ढाबे पे खाना खा के, फिर उसके बाद जाएंगे घर पे। तो दोस्तों ये देखिए, टोपी लगा के भी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को ने इंजॉय करना है, खाना खाना है, और ये देखिए बच्चे जा रहे हैं अंदर, एंटर कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि भाई अचानक से कैसे प्रोग्राम बना, अचानक से क्या है, कन्हैया गया हुआ है तेल डलवाने, और हमारा अचानक से बन गया है प्रोग्राम। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी बोलो। ओए ओए ओए, पहले खाना खाएंगे उसके बाद, काफी टाइम बाद आए हम ना, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं गलत बात, पहले पहले खाना खाएंगे उसके बाद, पहले खाना वहाँ पे रख ले, ले जाके वहाँ पे रख ले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जी पहुँच गए यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे खाना,
सारे के सारे बैठ गए, ठीक है। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट, और आज भी होके रेडी का ना अचानक से ही अपने आप मन हुआ, नहीं तो ये ना हमें लेके नहीं जाते। जिस दिन सालगिरह थी और जिस दिन कृष्णा का जन्मदिन था, तो इन्होंने मेरे पे घर पे ही खाना बनवाया। आज पता नहीं इनको क्या याद आया कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। असल में हम गए थे मार्केट बच्चों के बैग वगैरह लेने के लिए, हालांकि एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन इनके बैग ना बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। इस साल हमने बच्चों के 2 बैग लिए, लेकिन दोनों ही अच्छे नहीं निकले। तो हमें ये भी था कि चलो भाई अगला साल शुरू होगा तब ले लेंगे, लेकिन बच्चे हो रहे थे परेशान क्योंकि बैग में से ना किताबें वगैरह निकल रही थी, तो फिर बच्चों को भी देखे थोड़ा सा फील होता ही है स्कूल में सबके सामने। तो फिर वहीं पे ही हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर इन्होंने बोला कि चलो खाना खा के चलते हैं। मैं तो बना के आई थी सब्जी वगैरह, कहने लगे कोई बात नहीं फिर काम आ जाएगी। फिर इन्होंने यहाँ पे कन्हैया को भी बोल दिया और उधर भी बोल दिया था सबको कि आ जाओ खाना खाने के लिए, चल रहे बाहर, लेकिन जिज्जा जी और आशु ने मना कर दिया। तो फिर गुड्डू और ईशु आ गए थे। तो खाने में हमारा वही रहता है, दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर है, वेज रायता है और तंदूरी रोटी है। बस हम सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे घर। रात को गुड्डू ईशु उधर चले गए थे, हम इधर आ गए थे। तो पतिदेव ने सरप्राइज दे के हम सबका दिल खुश कर दिया, और अच्छा लगता है जब इस तरीके से अचानक से कोई कुछ करता है ना अपने लिए, तो बहुत खुशी होती है। तो हम लोग भी बहुत खुश थे कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। तो जी सुबह का टाइम हो गया और शाम आ गए थे हम खाना वगैरह खा के, गुड्डू ईशु उधर ही चली गई थी, हम आ गए थे इधर। टाइम 8:30 होने वाले, 15 मिनट है अभी, 8:25 पे इनकी गाड़ी आएगी। और ये देखो ये तीनों बहन भाइयों के बैग, देखो इधर को कृष्णा रुई, देखो बैग ये उसका भी, देखो उसका इसका नहीं, उसका देख था चाची मेरा फटा हुआ था। हाँ, इसे जरूर चाहिए था, इसका फटा हुआ था। आपको कैसा लग रहा है स्कूल जाते हुए नया बैग लेते हैं? स्कूल जाते हुए कैसा लग रहा मेरे भाई को नया बैग लेके? सबको दिखाएगा मेरा भाई, और जीता रहो मेरा बच्चा। चलो भाई, तो जी बच्चों को दिए हैं आलू के पराठे बना के नाश्ते का लंच में, और ये देख बाल अंदर ठीक हो गए, ये तो निकल जाएगी का लूज है, नहीं ऐसा कैसे निकलेगी, वो तो अंदर तो है, ध्यान रखना बच्चों। हाँ नींद से हो सत्ता सत्ता ही जाता है स्कूल। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो भाई बाय, राधे राधे बच्चों। अभी तो खड़े बच्चे वहां पे, आ जाए आराम से भाई, आराम से। बाय। आयो फिर पिस, ये पिघल जाता है यहाँ पे। बाय नंदी, बाय राधे राधे, जाली बस आगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज सुबह से हमने चाय नहीं पी। उठते ही हम लग गए थे अपने काम पे, और सारे घर को मतलब सारा घर फैला ही पड़ा। और होता ही है देखिए, सुबह को एक बार ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक बार को तो घर फैलता ही है। तो मैं पहले फटाफट बनाती हूँ चाय, उसके बाद फिर मैं ये सारा समेट दूंगी क्योंकि फिर सुनीता आ जाएगी। तो चाय पी के और सारा समेट वमेट के फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, और यहाँ पे बन गए हैं पराठे, बना दिए हैं इन दोनों गर्मा गर्म आलू के पराठे। बच्चे भी आज आलू के पराठे लेके गए हैं, और यहाँ पे हल्दी वाला दूध हो रहा है, और आज देखना दोनों हम कैसे लग रहे हैं, राधे राधे के भक्त है ना। और यहाँ पे ना ये देखो, एक जो बैग मैंने बनाया था, बैग तो सुंदर है ये, इसके अंदर देख के आया है, देखो गिफ्ट होगा कुछ लाए होंगे तेरे लिए, स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। देख क्या है इसमें गिफ्ट। पीले बैग में पीला पपीता।
ये देखो जी, ये है। हो गया ये पक गया अब तो बढ़िया हो गया है ना। ठीक है, तो ये मैं पपीता लेके आया था, तो ये रखा हुआ था दुकान पे ऐसे ही। तो ये उस टाइम ना हल्का सा हरा था, हल्का हल्का हरा था। और पपीते जो आजकल आते हैं ना, थोड़े से जैसे हरे आते हैं ना, उनको 2 दिन के लिए रख दो तो उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। ये सुंदर लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। टच बैग सा है ये। क्या, कौन सा बैग है? अच्छी टाइप नहीं होता वो वाला। आवाज तो बिल्कुल सुर चेंज हो गई है आपके। तो आज इसका करेंगे शाम के टाइम में ना, शाम को सारे बच्चे। जूस अच्छा लगे, आप जूस नहीं पीते? जूस तो इसका गाढ़ा है, वो जीम सा लगे। आज इसका शाम को करेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं जी यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या क्या करना है। इंदु आज बहुत काम करने वाली है, जैसे आज ये सुबह से लगी हुई है, सुबह से ही करी थी, परेशान थी कि आज मेरे ना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे ना बिल्कुल भी परेशान मत करियो, ठीक है? तो जी ये काम करने वाली है, और मैं भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं भी कोशिश करूंगा। वो अपनी कुर्ती बना लिया है, उसको मैं वो बाहर मशीन लगवा के वो कर देता हूँ। वो मेरे पास अकेली पे नहीं बढ़ने की ना। चल ठीक है, एक दो वो सिलाई तो यूं तो मार दूंगी मैं उसमें, सिद्धी जो मारनी है तो लग जा, पर वो फिटिंग वाली नहीं होती, पल्ले वगैरह तो मैं कर दूंगी। चल ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा मैं तो कह रहा मैं थोड़ा सा मैं करता जाऊंगा अभी। कितना वो ऐसे नहीं, आप अब भागम भाग में करोगे ना मेरे पल्ले कुछ पड़ने का, तुम कुर्ती सील का बगल हो जाओगे और मैं देखो जाऊंगी। पल्ले कुछ नहीं डालना, दिमाग में डालना जो भी डालना। हाँ वही, मतलब मेरे दिमाग में इतनी जल्दी आता नहीं ना, आपको पता तो है मुझे टाइम लगेगा। चलो ठीक है, ठीक है, जब आपका टाइम होगा तब सिखाइयो।